ये है क्यूट सा भांजा मेरा, जो कि आज हम सब लोगों को मेला घुमाने के लिए ले जा रहा है। और इसके पापा जब भी गाड़ी चलाते हैं ना, तो ये इसके पापा की गोद में बैठ जाता है और मतलब कुछ ना कुछ करता रहता है। कभी गाड़ी के गेट खोल देता है, कभी हॉर्न लगाता है। तो आज हम सब इसके साथ ही जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? मोनिका देसी ब्लॉग में आपका वेलकम है। और फ्रेंड्स, मैं हूँ अभी पियर अपनी मम्मी के घर पे और सब लोग बाहर रेडी हो रहे हैं। अभी आप लोगों को दिखाऊंगी मैं। और अब हम लोग जा रहे हैं मेला देखने और शाम के 5 बज गए। मम्मी हंस रही है क्योंकि दिन में बहुत गर्मी थी, इस वजह से जाने का मन नहीं किया। तो अब खाना वाना भी बन गया, खाना भी सब कम्प्लीट हो गया है। तकरीबन जो भी मेहमान या जो भी लोग आएंगे, सिर्फ खाना खाने खिलाने का काम रहेगा उनका। इसलिए पहले घर का काम किया और अब हम लोग जा रहे हैं मेला में। आज ही आनू, आज ही खाले ना आनू। सारी मम्मी कह रही है कि मेरे बरबरारी खत्म हो गई। एक मम्मी आओ ने सैंडल तो पहन। आजा गोलू, आजा इन्हें भी ले जाओ। पापा चिकू, चिकू ने भी ले जाओ। ना ना ना, अभी छोटा है ना ना। अरे नहीं है, है छोटा छोटा वो तो। हम जा रहे हैं मेले में घूमने के लिए और हमारी गाड़ी चला रहा है कौन? क्रिश। आज हमारे गाड़ी का ड्राइवर बना है क्रिश, छोटा सा बाबू देख लो। और वो गाड़ी है ना, इतनी स्पीड से चला रहा है कि हम मेले में बस पहुंचने वाले हैं। और नीतू के पास वो बैठता ही नहीं है बिल्कुल भी, और सारे गेट वेट भी खोल देते पूरे। तो यहाँ से हो जाती है मेले की शुरुआत। और छोटी छोटी दुकानें सब चीज़ों की लगी हुई थी, जूते, चप्पल, सैंडल, कान के झुमके और लेस जो हम लोग ओढ़ने पे लगाते हैं। और मार्केट में जितनी भी दुकानें होती हैं ना, वहाँ से आके यहाँ पे छोटी छोटी लोग दुकानें लगाते हैं। और अभी तो मंदिर भी नहीं गए। और सुनीता और नीतू दुकान के झुमके देखना देखने लग गई, बोला मंदिर बाद में चले। यहाँ ले हम आधे रास्ते आए, आधे रास्ते नहीं, आधे से भी आधा कम रास्ते में आ गए। और सुनीता नीतू आगे जा रही है, देखना सुनीता नीतू देखना, तो वो दोनों जा रही है आगे आगे और मैं जा रही हूँ आराम से। और बहुत ठंडा मौसम हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। दिन में आते तो मर जाते कि धूप की दिन में। हाँ, चप्पल टूट गई मेरी, बच्चा गोद में है, कैसी जिंदगी है ऐसे। और देखो ये इसकी मदर, नहीं मत दिखाओगे, मत दिखाओगे इसकी मम्मी को, मत दिखाओगे। तो हम पहुँच गए हैं आधे रास्ते और यहाँ देखिए पीछे का व्यू कितना अच्छा आ रहा है। और यहाँ पे नीतू ले रही है सेल्फी। नीतू क्या सब लोग सेल्फी लेते हैं, थोड़ी देर ठंडी हवा भी खाते हैं। और मौसम बहुत ठंडा हो गया था, शाम का टाइम था और मैं लगभग ऊपर तक पहुँच चुके थे मंदिर तक, पर मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी, इस वजह से मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ रही थी। क्योंकि थक जाते हैं ना, बहुत ऊपर तक है, पैदल पैदल आते हैं और कई कई तो सीधी चढ़ाई है मंदिर में चढ़ने के लिए, इस वजह से। और ये मेला हम लोगों के मोटिसों में लगता है और आषाढ़ी नवमी के दिन लगता है। और ये है यहाँ का मंदिर जहाँ हम लोग ढोक लेने आते हैं। और ये हमारे समाज का ही है, खेरा हमारे जितने भी रिलेटिव होते हैं, हमारे जितने भी जानने पहचानने वाले होते हैं, हम इस दिन सबको बुलाते हैं। या तो हमारी खीर पूड़ी बनती है या फिर लड्डू बाटी बनते हैं, जिसकी जैसी होता है ना घर में वो वैसे बनाता है। पर सब ना तो फायदे में रहे, क्यों? क्योंकि दर्शन हो गए, नहीं तो दिन में आते ना, दिन में दर्शन ही नहीं होते। इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, सुबह 10 बजे के बाद से लेकर शाम को 5 बजे तक बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। फिर शाम का टाइम सब खाली ऐसा लग रहा है, पर दर्शन अच्छे से हो गए। क्योंकि अगर दिन में आते तो शायद दर्शन नहीं होते, वो तो जाते दर्शन पर शायद इतनी तेज मतलब जितने पास से दर्शन किए उतने पास से नहीं होते। जबकि हवा इतनी अच्छी आ रही है, पेड़ पौधे पेड़ बहुत अच्छा आ रहा है। बोलूँ हमारे क्रिश थोड़ा सा परेशान कर रहा है।
हवा चल रही। हम लोग जैसे नीचे पहुँचे, एक नए झुमके वाला एक साइड में खड़ा था, तो वहाँ पे उसके बहुत प्यारे प्यारे झुमके थे। तो सुनीता नीतू ने बोला और लेने हैं, तो मैंने कहा ठीक है ले लो। दो जोड़ी मैंने लिए, उन्होंने भी लिए। और यहाँ पे नीतू को ग्रीन कलर के फ्लावर पॉट भी पसंद आ रहे थे, तो उसने ले लिए थे। और 100 रुपये के 4 ही दे रहा था और बहुत सुंदर लग रहे थे। और टेडी बियर भी लिए नीतू ने 2। और सारी शॉपिंग नीतू ने की, मैंने कुछ नहीं लिया। और उसके बाद में हम लोग चले गए थे सीधे गोलगप्पे वाली दुकान पे। और वहाँ क्या हुआ कि जब हम लोग गोलगप्पे खा रहे थे ना, और त्रिशु तो फिर खैर मेरी गोद में रहता है, तो नीतू के साथ में ये हुआ कि जो फ्लावर पॉट लिए थे ना इसने, वो गोलगप्पे वाली दुकान पे भूल गई और वहीं रह गए। हम 10-15 मिनट में वापस आके पता किया तो वहाँ पे कोई फ्लावर पॉट नहीं था फ्रेंड।